ठीक है जी। तो ट्रांसपोर्टेशन में, या हम बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन में, हाईवे हमने अपना कंप्लीट कर लिया है, और हाईवे कंप्लीट करने के बाद मेरी लास्ट यूनिट ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन तो नहीं हाईवे बोलूंगा मैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में तो बहुत सारी चीजें आती है, रेलवे भी ट्रांसपोर्टेशन में आता है। तो हम ये बात करेंगे, हाईवे हमने अपना कंप्लीट कर लिया था, और हाईवे के बाद हमारी एक लास्ट यूनिट बच रही है जिसका नाम है ट्रैफिक इंजीनियरिंग। अभी ट्रैफिक इंजीनियरिंग भी ऐसे टॉपिक है कि हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, और कहीं ना कहीं इससे एक आधा क्वेश्चन तो आ ही जाता है। और जिस तरीके से आजकल एग्जाम्स का पैटर्न चेंज हो रहा है, तो मे भी एक से ज्यादा क्वेश्चन भी आ सकते हैं। देखो बहुत इजी यूनिट है, बहुत ही इजी यूनिट है, बट अगर हम इस यूनिट को पढ़ेंगे नहीं तो कहीं ना कहीं हमारा एक क्वेश्चन तो हमारा मिस हो जाएगा। तो लास्ट टॉपिक हमारा हाईवे का है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, और आज इस टॉपिक को मैं आपके सामने स्टार्ट कर रहा हूँ। ध्यान से पढ़ना, क्योंकि लेक्चर्स इसमें ज्यादा होंगे। आप ये मान के चलो कि 6-7 लेक्चर मुझे पढ़ाने पड़ेंगे आपके एक क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ट्रैफिक से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और जिस तरीके का आजकल एग्जाम्स का क्राइटेरिया चल रहा है या पैटर्न चल रहा है, तो 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, बट हम इसको पढ़ेंगे एक क्वेश्चन के लिए। जरूरी है, एक भी एक ही क्वेश्चन ही आपका सिलेक्शन कराएगा, एक एक मार्क्स ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं, थोड़ा जो मैंने आपके सामने फोटोग्राफ्स लगाए हुए हैं या पिक्स लगाए हुए हैं बोर्ड के ऊपर, इनको थोड़ा आप ध्यान से देखिए। देखो दो चीजों को मैं कंपेयर करूंगा। अगर आप रोड पर अपनी गाड़ी लेकर निकल रहे हो, अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर आप रोड पर अपनी गाड़ी लेकर निकल रहे हो, एक पिक्चर तो आपके सामने ये दिख रही है और दूसरी पिक्चर आपके सामने ये दिख रही है। अगर मैं आपसे बोलूं, क्योंकि दोनों को मैंने एक पेज पे नहीं लगाया, क्योंकि थोड़ा इनको बड़ा करके दिखाना जरूरी था, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पिक्चर नंबर 2 और पिक्चर नंबर 1, इसमें अगर आप गाड़ी लेकर निकल रहे हो, इसमें अगर आप गाड़ी लेकर निकल रहे हो, तो आप कौन सी रोड पर चलना पसंद करोगे? एक रोड आपके सामने ये है, दूसरी रोड आपके सामने ये है। तो नो डाउट आप बोलोगे, सर देखो ये तो, आप बोलोगे सर ये तो ट्रैफिक जैम है, ये तो ट्रैफिक जैम है, और इसमें सर गाड़ी अच्छे से चल रही है। देखो आप बोलोगे कि सर हमारा आजकल तो सर रोड्स, देखो नो डाउट इंडिया में रोड्स का काम बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि इंडिया की रोड्स बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी हैं या डेवलप हो रही हैं। आप बोलोगे, अगर मैं बोलूंगी किस सिटी का होगा, तो आप बोलोगे सर ये शायद गुड़गांव का है, आपके बेंगलोर में भी शायद जाम लगता है। आप समझने की कोशिश करना प्लीज, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर ये जो पिक्चर आपने लगाई ये तो आजकल की दिख रही है, और सर ये जो पिक्चर लगाई ये भी आजकल की दिख रही है। अब मुझे नहीं पता कौन से स्टेट की पिक्चर है, मुझे नहीं पता ये, बट हाँ ऐसा जाम जो ट्रैफिक जैम नहीं होता, ये मैं गुड़गांव में फेस कर चुका हूँ। जब मैं जयपुर से दिल्ली आ रहा था, तो पहले गुड़गांव आता है, गुड़गांव में मैं ऐसा जाम फेस कर चुका हूँ। अब कहानी क्या है कि अगर आपको रोड पर ट्रैफिक जैम को बिल्कुल ही जीरो करना है, या फिर देखो एग्जाम्पल, क्या आज की तारीख में अगर हम बात करें, क्या हमारी रोड्स, नो डाउट हमारी रोड्स, देखो प्लीज ध्यान से देखना, बहुत डेवलप हो चुकी है आज की तारीख। अगर मैं आज की बात करूं तो बहुत अच्छी रोड्स हैं इंडिया की, और आने वाले 5 साल में अगर बात करूं तो आप बिलीव नहीं कर सकते हो, इंडिया में इतने अच्छे एक्सप्रेस वेज, नेशनल हाईवेज डेवलप हो रहे हैं। मतलब अभी इंडिया में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा क्या डेवलप हो रहा है आपका, नेशनल एक्सप्रेस वे। इतने अच्छे अच्छे नेशनल एक्सप्रेस वे डेवलप हो रहे हैं कि जहां पर, एग्जाम्पल देता हूं, जहां पर आपके 30 घंटे लगते हैं ना पहुंचने के लिए, वहां पे मान लीजिए हमारे इंडिया में इतने अच्छे एक्सप्रेस वे डेवलप हो रहे हैं कि जहां पर आपको किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जहां पर 30 आवर्स लगते हैं, अब आपको ए से लेकर बी पहुंचने में 12 आवर्स लगेंगे। डायरेक्ट डायरेक्ट 18 घंटे अब कम हो जाएगा। 18 घंटे कम होगा तो इससे फायदा क्या है, पॉल्यूशन कम होगा, समझ लो मेरी बात, फ्यूल कम लगेगा, क्योंकि अगर एक्सप्रेस वे अच्छे हैं तो ना कुछ ट्रैफिक जैम होगा ना कुछ होगा, और आपका अच्छा एवरेज निकलेगा गाड़ी का, तो बहुत सारा फायदा है, ना आपका पोल्यूशन होगा ना कुछ होगा, ठीक है। बट
इस कंडीशन से देखो, ध्यान से देखना, आज भी इंडिया में अगर आप रोड्स पर देखोगे तो बहुत सारे फ्लाईओवर्स बन रहे हैं। अगर हम आज की बात करें, अभी की बात करें, तो बहुत सारी सिटीज के, मान लीजिए मैं कोटा से हूं, आपको पता है मैं कोटा से हूं, तो कोटा में आज की तारीख में बहुत ही ज्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अगर मैं बात करूं तो सिटी के अंदर ही, कोटा एक बहुत, कोटा एक राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट है, कोटा में बहुत छोटा डिस्ट्रिक्ट है, उसके बावजूद उसके अंदर इतना ज्यादा डेवलपमेंट का काम चल रहा है कि मैं मतलब शॉक्ड हूं। जब मैं 6-7 महीने में अपने होम टाउन जाता हूं तो जब देखता हूं तो हर 6-7 महीने में मुझे इतना काम होते हुए दिख रहा है वहां पर। बट अगर अगर मैं आपसे चीज पूछूं, जो फ्लाईओवर होता है वो रोड पे होता है और रोड पे ही गाड़ियां निकलती है। आप एग्जांपल करो कि मान लीजिए ये रोड है, अगर यहां पर मुझे, मान लीजिए रोड है और इस बीच वाले पोर्शन में हमें फ्लाईओवर बनाना है, इस वाले बीच वाले पोर्शन में फ्लाईओवर बनाना है, दैट मींस अगर आप इस बीच में फ्लाईओवर बनाओगे तो ये तो आपका कंस्ट्रक्शन जोन हो गया। प्लीज ध्यान से देखना, कंस्ट्रक्शन जोन हो गया और यहां पे आपके पास जो स्पेस अवेलेबल है फॉर द मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स, एक ये है एक ये है। तो दैट मींस आज अगर हम आज की बात करें तो सिटीज के अंदर आज भी जाम लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि बहुत सारा कंस्ट्रक्शन हो रहा है। देखो मैं कह रहा हूं, मैं कभी भी तारीफ नहीं करूंगा किसी की भी, बट ये तो मानना पड़ेगा कि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो रहा है। मैं खुद फील करता हूं उस चीज को, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं हमेशा हर जगह अपनी गाड़ी से जाता हूं। आप समझ रहे हो, मैं हर जगह अपनी गाड़ी से जाता हूं। लाइक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मेरे रिलेटिव जो है वो बिजनौर में रहते हैं, आप सुनोगे बिजनौर उत्तर प्रदेश। तो जब मैं पहले बिजनौर जाता था दिल्ली से, तो पहले मुझे लगते थे 5.5 से 6 घंटे या 6.5 घंटे। अभी देखो, पहले दिल्ली से बिजनौर जाने में 6 घंटे लगते, 6 to 6.5, और आज की तारीख में 3.5 आवर्स में, 3.5 घंटे में मैं दिल्ली से बिजनौर पहुंच सकता हूँ। तो कहने का तात्पर्य क्या है? कहने का तात्पर्य यही है कि भाई साहब, आपका ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हुआ है और इंप्रूव हो रहा है। अब क्या है कहानी, क्या है? ठीक है, यहां पर अभी जाम लग रहा है, मैं इसकी बात नहीं करता हूं। अगर मुझे इस जाम, इस ट्रैफिक जैम को रिड्यूस करना है, लाइक इसकी तरह अगर मुझे रिड्यूस करना है, आप देखो ध्यान से, एक पिक्चर में ट्रैफिक जैम है और इस पिक्चर में ट्रैफिक जैम आपके सामने नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो किसी भी सिटी के अंदर आपको ट्रैफिक, देखो आजकल कार सबके पास है, कार सब ले लेते हैं। क्यों लेते हैं? पुराने जमाने में कार नहीं थी, मतलब पुराने जमाने में हमने देखा होगा, जब मैं छोटा था, जब मैं 6th-7th क्लास में था या 8th क्लास में था, तो जब वहां पर किसी के पास कार होती थी तो भैया वो तो बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी हस्ती होती थी। लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो हमारे पड़ोसियों के पास मारुति 800 थी, और 800 उस जमाने में जब मैं छोटा था, बचपन में तो मैं छोटा ही था, उस जमाने में अगर मैं बात करूं तो हमारे लिए तो वो मारुति 800 ही बहुत बड़ी है। और आज की तारीख में क्या है, कोई जैगवार लेके भी निकलता है, मर्सिडीज लेके निकलता है, ऑडी लेके निकलता है, तो उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो कहने का मतलब समझने, मेरी बात समझने समझना कि एक अच्छी, तो कहने का मतलब क्या कि आज की तारीख में कार्स बहुत ज्यादा हो चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी रोड्स को डेवलप करना पड़ेगा। कार लेना आज की तारीख में इजी है, क्या है, 10% डाउन पेमेंट कर दो, कार निकल के आ जाती है। और मुझे लगता है जब मैं छोटा था तब 10% वाले, तब तो सारे पैसे शायद एक साथ ही देने पड़ते थे, मुझे पता नहीं है, बट बचपन में कार नहीं थी क्योंकि उस टाइम मेरे ख्याल से डाउन पेमेंट वाला सिस्टम नहीं था। आज क्या 10% 7% डाउन पेमेंट करवाएंगे? लाइक मान लो 10 लाख की कार है तो आप 1 लाख रुपए देके 10 लाख की कार लेके आ सकते हो। तो लोगों ने कार्स बहुत सारी, बहुत कार हो चुकी है इंडिया में। तो अब सरकार के पास क्या मजबूरी है कि अगर आपने रोड को डेवलप नहीं करा तो आपकी सिटीज के अंदर या हाईवेज के अंदर ट्रैफिक जैम 100% लगेगा। अब अगर हम इस ट्रैफिक जैम को दूर करना चाहते हैं तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का एक छोटा सा टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग, जिसको हम क्या बोलेंगे, एक सेकंड। तो अगर अब हम अपने रोड्स को डेवलप करना चाहते हैं, आज की तारीख में बहुत ज्यादा कार्स हो चुकी है, तो आपको जिस टॉपिक की जरूरत पड़ेगी जिसकी हेल्प से आप अपनी सिटी को ट्रैफिक फ्री या ट्रैफिक जैम फ्री सिटी बना सकते हो, उसका टॉपिक का नाम क्या है, ट्रैफिक इंजीनियरिंग। अबे ट्रैफिक इंजीनियरिंग क्या, कुछ भी नहीं है, आपको ऐसी टूल्स और टेक्निक्स यूज करने हैं, हमें ऐसी प्लानिंग, ऐसे टूल्स, ऐसी टेक्निक्स। व्हाट इज ट्रैफिक इंजीनियरिंग, ये डेफिनेशन आपसे कोई नहीं पूछेगा कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग क्या होता है। बट अगर मैं आपसे पूछूं
व्हाट इज ट्रैफिक इंजीनियरिंग? तो आप बोलोगे ट्रैफिक इंजीनियरिंग ऐसा टॉपिक है जिसमें हम ऐसे प्रिंसिपल्स, टूल्स या टेक्निक्स यूज कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारा ट्रैफिक जैम फ्री ट्रैफिक हमें मिले फॉर सेफ, मतलब सेफ मतलब आपको अपनी ट्रैफिक इंजीनियरिंग की हेल्प से ऐसे रोड्स को डेवलप करना है या अपने ट्रैफिक मैनेजमेंट, जैसे मैं आपसे बात करता हूं, आप किसी रोड पर गए, पहले वो रोड वन लेन थी, वन लेन मतलब 3.5 मीटर वन लेन थी, आज की तारीख में वो रोड थ्री मतलब थ्री लेन है। कोई भी रोड मान लो वन लेन, पहले वन लेन थी, वन लेन और टू लेन आप अच्छे तरीके से जानते हो क्योंकि पूरा ट्रांसपोर्टेशन में आपको खत्म कर चुका हूं। कोई एक रोड वन लेन थी, आज की तारीख में थ्री लेन है। तो आपने क्या करा, आपने अपने कंस्ट्रक्शन की हेल्प लेके, अब ध्यान से देखना, आपने क्या करा कंस्ट्रक्शन की हेल्प लेके मतलब आपने क्या करा रोड को चौड़ा कर दिया। तो यहां पर हमारा हाईवे काम में आता है। बट अगर मैं आपसे बात करूं तो आप अगर आज की तारीख में बोलोगे, आपने देखा होगा रोड पर स्पीड कैमराज लगे होते हैं, आप दिल्ली के अंदर जाओ, दिल्ली में आप 70 से ऊपर स्पीड मुझे तो आज तक कहीं दिखी नहीं है। आप दिल्ली के अंदर 70 किलोमीटर पर आप इस ज्यादा स्पीड में मेरे को तो आज तक किसी को रोड दिखी नहीं, मुझे ऐसी कोई रोड दिखी नहीं है जिसमें 70 किलोमीटर पर आर से ज्यादा स्पीड से गाड़ी कभी चली हो। तो अगर मैं आपसे बात करूं इसके बारे में, तो हमें इसको किससे कंट्रोल करा भैया, दिल्ली के अंदर स्पीड कैमराज है। अभी स्पीड कैमराज क्या है, टूल्स है, आप समझ रहे हो। तो क्या दैट मीन्स हमें इस तरीके से रोड को डेवलप, दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है, एक तो रोड आपको इंप्रूव करनी पड़ेगी, उसके अलावा आपको दूसरी चीजों की भी हेल्प लेनी पड़ेगी ताकि आपको सेफ ट्रैफिक मिले। सेफ मतलब कि गाड़ियों का एक्सीडेंट ना हो, रैपिड मतलब गाड़ियां तेज चले, गाड़ियों में जाम ना लगे। व्हाट इज सेफ, सेफली नो एक्सीडेंट्स। व्हाट इज रैपिड, अच्छे से कन्वीनियंट इजीली इकोनॉमिक सस्ती पड़े। अगर आप किसी ट्रैफिक जैम को फेस करते हो तो अगर मान लो कोई गाड़ी ए से बी पॉइंट पर अगर वो 30 मिनट में पहुंच सकती थी, ए से बी पॉइंट पर, मान लो कोई भी ए से बी पॉइंट है वहां पर अगर कोई गाड़ी आपकी 30 मिनट में पहुंच सकती थी और मान लो आपका ट्रैफिक जैम लग गया और 1.5 घंटे आपको ट्रैफिक जैम में सफर करना पड़ा, तो नो डाउट आपका जो फ्यूल है वो अननेसेसरी कंज्यूम होगा। कहीं पर अगर हमें आधे घंटे के लिए पहुंचना था और आज की तारीख में हम उसमें 1.5 घंटे में जा रहे हैं, तो हमारा भाई साहब जो पेट्रोल है, डीजल है, सीएनजी है ना, ये फालतू में कंज्यूम होती है, मतलब जलती है। तो दैट मीन्स अगर आप ट्रैफिक जैम सफर करोगे तो आपको नुकसान होगा, टाइम का नुकसान होगा, पैसों का भी नुकसान होगा। इकोनॉमिक मतलब अगर आप अपने सिटी को या फिर आप जिस रोड से निकल रहे हो, अगर आपने उस रोड को इकोनॉमिक बना दिया, अच्छा बना दिया जिससे ट्रैफिक जैम ना हो, तो आपको भाई साहब फायदा ही फायदा होगा। जैसे कि मैं आपसे एग्जांपल ले रहा हूँ, अभी मैंने बोला था कि ए से बी पॉइंट में पहले 30 घंटे में पहुंच सकते हैं, आज की तारीख में आप 12 घंटे में पहुंच जाओगे। किसी भी ए से बी पॉइंट में आप 30 घंटे में पहुंच रहे हो और आप 12 घंटे पहुंच जाओगे तो फायदा ही फायदा, टाइम बचेगा, पॉल्यूशन कम होगा, उसके अलावा आपका फ्यूल अच्छा एवरेज आपको देगा, ठीक है। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं इस टॉपिक को, ट्रैफिक इंजीनियरिंग को आपको बहुत ढंग से पढ़ना पड़ेगा। क्यों हम ट्रैफिक इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, ताकि देखो वही पॉइंट से हमारी जो राइड है या हमारी जो ड्राइव है, जो हम गाड़ी लेके जा रहे हैं, एक तो सेफ हो, दूसरा जाम ना हो, रैपिड मतलब तेज हो, तीसरा कन्वीनियंट हो, ईजी हो, कहीं भी मोड़ना है मोड़ सकते हो। मान लो सीधे जाने थे लेफ्ट लेना है तो लेफ्ट ले लिया, राइट जाना था तो राइट ले लिया, पर इकोनॉमिक हो। तो हमारी ट्रैफिक इंजीनियरिंग बस ये बोलती है कि आपको ऐसे प्रिंसिपल्स, टूल्स और टेक्निक्स यूज करनी है जिससे मेरी राइड या ड्राइव सेफ हो, रैपिड हो, कन्वीनियंट हो, इकोनॉमिक हो, ठीक है। अब अगर मैं आपसे ट्रैफिक इंजीनियरिंग के बारे में बात करूं, देखो ये टॉपिक बहुत अच्छा है, स्टडी ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग। तो इस स्टडी ऑफ ट्रैफिक इंजीनियरिंग में हम बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स वन, सेकंड ट्रैफिक स्टडीज, थ्री ट्रैफिक ऑपरेशंस। ये सबसे अच्छा टॉपिक है, ये ऐसा टॉपिक है जो आपको, आपने कभी ना कभी अपनी लाइफ में जरूर देखा होगा, ये कभी ना कभी अपनी लाइफ में आपने जरूर देखा होगा, ट्रैफिक ऑपरेशंस कंट्रोल रेगुलेशन बहुत ही अच्छा टॉपिक है। प्लानिंग एंड एनालिसिस, ज्योमेट्रिक डिजाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। अब आपका तो जो क्वेश्चन आएगा, ध्यान से देखना, ट्रैफिक इंजीनियरिंग से जो आपका क्वेश्चन आएगा वो कहीं ना कहीं इस टॉपिक से ही निकल के आएगा। आपका ट्रैफिक इंजीनियरिंग का जो क्वेश्चन आएगा वो कहीं ना कहीं 3, 4, 5,
6, इन सारे टॉपिक्स को मुझे आपको बहुत ज्यादा डिटेल्ड पढ़ाना पड़ेगा, इन सारे टॉपिक्स को मुझे आपको बहुत ज्यादा डिटेल होना पड़ा। अब हम सीक्वेंस ही नहीं चलेंगे अभी, क्या है मान लो पहले, क्योंकि अगर मैं इस टॉपिक को अगर मैं सीक्वेंस से लेना चालू कर दूंगा तो आपका इंटरेस्ट बिल्कुल भी लेक्चर्स में नहीं आएगा। क्योंकि ट्रैफिक इंजीनियरिंग आपको एक क्वेश्चन देगा, ट्रैफिक इंजीनियरिंग एक क्वेश्चन देगा, हो सकता है दो क्वेश्चन में दे, हो सकता है तीन क्वेश्चन में दे। मैं कह रहा हूँ आज के क्राइटेरिया में हमें इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। देखो याद रखना, मैं उसी टॉपिक पर फोकस करता हूँ जिस टॉपिक से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। देखो कहीं ना, अच्छा अगर इस यूनिट से पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि इस यूनिट से पहले मैंने आपको कौन सा टॉपिक पढ़ाया था, तो आप बोलोगे सर आपने हमें पढ़ाया था ज्योमेट्रिक डिजाइन। ये ज्योमेट्रिक डिजाइन मैं आपको कवर करा चुका हूँ, ठीक है। थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, बट थोड़ा थोड़ा अगर मैं आपसे इंट्रोडक्शन की बात करूँ तो प्लीज ध्यान से देखना, जब मैं डिटेल पढ़ाऊंगा तो मैं सीक्वेंस से नहीं चलूंगा, क्योंकि सीक्वेंस से चला तो आपको सीक्वेंस मतलब हाँ मुझे ये 6 के 6 टॉपिक, देखो ज्योमेट्रिक डिजाइन तो हम कंप्लीट कर ही चुके हैं, ये ज्योमेट्रिक डिजाइन तो हमने कंप्लीट कर ही लिया है ना, ज्योमेट्रिक डिजाइन सब कुछ बता दिया मैंने आपको, सुपर एलिवेशन क्या है ना, कर्व्स क्या है, ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। इस पे मुझे ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, बट इन रिमेनिंग्स पर मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर हम सबसे पहले ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें, देखो बहुत अच्छी चीज है, पर मैं अभी इसमें आपको कुछ लिखाऊंगा नहीं, एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। इंट्रोडक्शन इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा समझ में आएगी चीजें, इंटरेस्ट आएगा चीजों में। देखो ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक भाई, ट्रैफिक दो चीजों से बना हुआ है, किस किस से बना हुआ है, तीन चीजों से बना हुआ है। एक तो भाई सब जो ड्राइवर होगा, ये यूजर ड्राइवर हो सकता है वो कार चला रहा हो, वो बाइक चला रहा हो, वो साइकिल चला रहा हो, तो हमने उसको क्या लिख दिया यूजर, यूजर मतलब जो गाड़ी चला रहा है, जो साइकिल चला रहा है, जो बाइक चला रहा है। उसके बाद व्हीकल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और थर्ड हमारी रोड, रोड तो है ही सही, रोड पे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर मैं आपसे बोलूं ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्या बताएगा, तो याद करो PIEV थ्योरी, परसेप्शन इंटेलेक्शन इमोशन एंड वॉल्यूशन। मैंने आपको PIEV थ्योरी पढ़ाई थी, अगर आपको ध्यान हो, उस PIEV थ्योरी में क्या था, कुछ भी नहीं था, हमारे इमोशंस थे। देखो अगर मैं आपको बता रहा हूं कि देखो थोड़ा सा बता रहा हूं, उसके बाद एक एक चीज को डिटेल लेके चलूंगा। ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में दो चीज है, एक तो आपका व्हीकल का, व्हीकल के डायमेंशंस क्या है, वेट क्या है ना, टर्निंग रेडियस क्या है। ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक दो चीजों को लेकर चलता है, एक तो यूजर के इमोशन। अब यूजर के इमोशन क्या है भाई, कुछ लोग एकदम से गाड़ी सामने देखकर घबरा जाते हैं, अभी मैं बिल्कुल ब्रीफली आऊंगा। कुछ लोग अगर गाड़ी सामने दिखती है तो आराम से ब्रेक मारते हैं, फिर उसको ओवरटेक करके निकल जाते हैं, या फिर अपने ब्रेक मार लेते हैं। तो हर एक इंसान के अलग अलग इमोशंस हैं, हर एक इंसान के अलग अलग इमोशंस हैं। अब देखो मेरी एक बात कर लो, भगवान की कृपा से मुझे अच्छी तरीके से रोड पे चीजें दिखती हैं, बट फिर भी मेरी गाड़ी टच होती है, ठुकती है, जिसको मेरी कोटा की लैंग्वेज में बोलेंगे तो गाड़ी हमारी कहीं ना कहीं टच हो ही जाती है, ब्रेक मारेंगे तो पीछे से। अब देखो मुझे चीजें दिखती है रोड पर, बट मैं अपने आप को एक अच्छा ड्राइवर नहीं बोल सकता, क्योंकि भाई साहब मेरी गाड़ी तो स्क्रैचेस ही स्क्रैचेस लग रहे हैं पूरी गाड़ी में, अब तो सही कराने की भी इच्छा नहीं होती, क्योंकि लगता है फिर स्क्रैच लग जाएंगे। तो मैं तो अपने आप को एक अच्छा ड्राइवर नहीं मानता, जबकि मुझे अच्छे से दिखती है गाड़ी, सामने से गाड़ी आ रही है या कोई जानवर आ रहा है, बट फिर भी मैं अच्छा ड्राइवर नहीं हूँ। तो अगर हम बात करें ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में, एक तो यूजर के इमोशंस, भाई उसको देखना, भाई वो देख रहा है अपने आप को कि हाँ गाड़ी सामने दिख रही है, उसको रिएक्ट कर रहा है, उसके बाद ब्रेक मार रहा है, या अपनी इंटेलिजेंस से या अपना दिमाग कैसे निकल रहा है, ये सब ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा। व्हीकल और दूसरा हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा वो क्या, व्हीकल। व्हीकल मतलब भाई कौन सी गाड़ी है, साइकिल है, बाइक है, कार है, ट्रक है, समझ रहे हो। व्हीकल का वेट कितना है, डायमेंशंस कितने हैं, टर्निंग रेडियस कितनी है, व्हीकल की स्पीड कितनी है, व्हीकल्स के ब्रेक कैसे हैं, व्हीकल्स की लाइट कैसी है, तो ये सब कुछ ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में आएगा। तो अगर मैं आपसे सबसे पहली बात करूं ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में, हमें यूजर और व्हीकल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। सेकंड, ट्रैफिक स्टडीज एंड एनालिसिस। इन पूरे देखो हमारा टारगेट क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारा टारगेट क्या है, सर हमें अपने सिटीज की रोड या जिस रोड से मैं निकलूं वो सर जैम फ्री रोड होनी चाहिए, उसमें ट्रैफिक नहीं होना चाहिए, भाई हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट तो यही सर ट्रैफिक जैम नहीं लगना चाहिए। तो ट्रैफिक जैम तभी नहीं लगेगा जब हम इन सारे करेक्टरिस्टिक्स को
इस ट्रैफिक इंजीनियरिंग की स्टडी को करें, इसको इम्प्लीमेंट करें। अगर ये सारे के सारे जो 6 पॉइंट अगर आपने रोड पर इम्प्लीमेंट कर दिए तो गारंटेड आपकी रोड पर, आप समझ रहे हो, आपने देखा होगा कुछ रोड्स पर जाम नहीं लगता, कुछ रोड्स पर जाम लगता है। तो जिन रोड्स पर जाम नहीं लगता, दैट मींस उन वो वहां पर उन रोड्स पर जाम क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि यहाँ पर हर एक पॉइंट उन रोड्स पर फॉलो होता है। आप खुद बोलोगे हाँ सर, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बहुत सी रोड्स आज भी ऐसी है जहां पर ट्रैफिक सिग्नल नहीं है, जहां पर ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। आज की तारीख में भी बहुत सारी रोड्स ऐसी हैं जहां पर ट्रैफिक सिग्नल नहीं है। तो जब ट्रैफिक सिग्नल नहीं होगा तो गाड़ियां तो कैसे भी, देखो ट्रैफिक सिग्नल का मतलब क्या है भाई, रेड लाइट होती है तो हम ट्रैफिक सिग्नल पर रुक जाते हैं, रेड लाइट होती है तो हम ट्रैफिक सिग्नल पर रुक जाते हैं, ग्रीन लाइट होती है तो हम अपनी गाड़ी आगे लेके चल जाते हैं। अब मान लो कोई एक एक रोटरी है, रोटरी मतलब जहां पर 3-4 रोड मिलती है, एक रोटरी या इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन देखो रोटरी का मतलब जैसे ये होता है ना, 3-4 रोड ये मिल गई, या फिर आपके इंटरसेक्शन में ऐसे रोड आ रही थी अब ऐसे बन गई, ये इंटरसेक्शन होते हैं। तो अगर मान लो इस जगह या इस जगह में अगर ट्रैफिक लाइट का यूज नहीं करूंगा तो गाड़ियां तो फिर कैसे भी निकलेंगी, गाड़ियां तो कैसे भी निकलेंगी। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप इन सारे स्टडीज को ढंग से पढ़ लिया, जो कि पार्ट है इसका ट्रैफिक इंजीनियरिंग का, और अगर हमने ये रोड पर इंप्लीमेंट कर दिया तो हमें कभी भी रोड पर ट्रैफिक जैम नहीं मिलेगा। इंडिया की जितनी भी रोड्स है जहां पर ट्रैफिक जैम नहीं मिलता, दैट मींस वो सारी सारी इन प्रिंसिपल्स पर बनाई गई है, और जिन पर ट्रैफिक जैम मिलता है तो दैट मींस कोई ना कोई प्रिंसिपल वहां पर लैप्स हो रहा है। अब आज की तारीख में जैसे मैं आपको लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, आज की तारीख में जब आप किसी भी रोड पर जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भैया यहाँ पर क्यों जाम लग रहा है और यहाँ पर क्यों जाम नहीं लग रहा है। ठीक है, आगे बात डिस्कस करते हैं। तो ट्रैफिक देखो, ट्रैफिक करेक्टिव समय पर, अब ट्रैफिक नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रैफिक स्टडीज। ठीक है, अगर ट्रैफिक स्टडीज के बारे में बात करूं, सिंपल सा है, आपको ये देखना है ट्रैफिक वॉल्यूम कितना है, व्हाट इज ट्रैफिक वॉल्यूम, ये रोड पर कितनी गाड़ियां चल रही हैं। अगर हम देखो, प्लीज आंसर देना ट्रैफिक, मैं इस एक एक टॉपिक को डिटेल में लेके जाऊंगा, इस एक एक टॉपिक को मैं डिटेल लेके जाऊंगा, पर आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा भाई। ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स तो हमें पता लग गया, यूजर के इमोशंस देखते हैं या कुछ देखते हैं, ठीक है। उससे ट्रैफिक स्टडीज के बारे में अगर हम बात करें, सबसे क्या देखना आपको, गाड़ियों का कितना वॉल्यूम है, या गाड़ियों की स्पीड क्या है, या गाड़ियों की स्पॉट स्पीड क्या है। स्पॉट मैंने एक वर्ड बोला, अभी सब बताऊंगा स्पॉट स्पीड। अभी मैं इसमें कोई डिटेल में, स्पॉट स्पीड का मतलब है किसी भी एक पॉइंट पे गाड़ी की स्पीड। मान लो आपकी कोई सिटी है, और उस सिटी कोई भी आपकी सिटी तो कोई होगी, वहां पर कोई थिएटर है, कोई मूवी थिएटर है, अब उसके सामने गाड़ियों की स्पीड क्या है, तो होती है स्पॉट स्पीड। स्पॉट स्पीड का मतलब क्या है, किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे गाड़ियों की स्पीड। तो अगर हम ट्रैफिक वॉल्यूम है, कितना ट्रैफिक है, या ट्रैफिक की स्पीड देखेंगे, अभी स्पॉट स्पीड तो मुझे आपको नहीं बताना चाहिए था, अगर हम गाड़ियों का वॉल्यूम देखेंगे या उसकी स्पीड को स्टडी करेंगे तो वो किसमें आता है, ट्रैफिक स्टडीज एंड एनालिसिस। प्लीज ध्यान से देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। अब सबसे अच्छा टॉपिक मेरा क्या है, मेरा फेवरेट टॉपिक, ट्रैफिक ऑपरेशंस कंट्रोल एंड रेगुलेशन। ऑपरेशन का मतलब क्या है, ट्रैफिक को चलाना, कंट्रोल रेगुलेशन मतलब उसको कैसा कंट्रोल कर रहे। अब देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, क्या आपने अपनी सिटीज में रेड लाइट देखी है, बोलोगे हाँ सर हमने अपनी सिटीज में ट्रैफिक सिग्नल देखा है। क्या अपनी सिटीज में आपने ट्रैफिक सिग्नल देखा है, बोलोगे हाँ सर हमने ट्रैफिक सिग्नल देखा है। रोड्स के ऊपर बहुत सारे बोर्ड्स लगे हुए होते हैं कि यहाँ पर स्कूल है, थोड़ा धीरे चलिए, आगे से रोड लेफ्ट हो रही है, थोड़ा धीरे चलिए, ये आपने सुना होगा। तो ये जो टॉपिक हमारा कवर होता है, दैट मीन्स जनरली ट्रैफिक साइनेज बोर्ड्स, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है। देखो अगर मैं एग्जांपल दूं, ट्रैफिक ऑपरेशन कंट्रोल रेगुलेशन, तो इसमें क्या क्या आता है आपका, इसमें देखो ये रेड लाइट है, तो ये ट्रैफिक को आप रेगुलेट कर रहे हो, कंट्रोल करो और ऑपरेट करो, रेड लाइट आ गई, या फिर आपके रोड मार्किंग, रोड के ऊपर मार्किंग होती है, रोड के ऊपर क्या होती है, मार्किंग होती है, या फिर आपके इंटरसेक्शन होते हैं, व्हाट इज इंटरसेक्शन, जहां पर दो रोड या तीन रोड एक साथ मिल रही है, या फिर आपकी, अभी मैंने आपको एग्जांपल देता रोटरी, जैसे आपका ये रोड है, ये रोड है, ये रोड है, ये रोड है, हमने बोला बीच में एक सर्कल सा होता है, इसको हम बोलते हैं रोटरी या फिर आइलैंड। तो इन चीजों की वजह से हम ट्रैफिक को ऑपरेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है, और रेगुलेट करते हैं। तो आप समझ सकते हो ये सारी चीजें, जितनी भी आप रोड के बारे में पढ़ते हो, जो भी आप रोड के बारे में पढ़ते हो, या फिर हमने देखा कि रोड पर जाम नहीं लग रहा हमारे, या फिर हमारे रोड पर जाम नहीं लग रहा, तो वो सब कुछ
ये जो मैं आपको 6 पॉइंट्स पढ़ा ना, इन्हीं 6 पॉइंट्स को अगर आपने किसी भी रोड पर इंप्लीमेंट कर दो तो कभी ट्रैफिक जैम मिलेगा ही। तो ये चीजें मैंने दिखाई, किसमें आपको क्वेश्चन है? ट्रैफिक रेगुलेशंस में। ठीक है, मेरी बात प्लीज याद समझो, मैं आपको हर एक टॉपिक डिटेल में पढ़ाऊंगा। नो डाउट ये टॉपिक से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हेल्प मिलने वाली है। मैं सब्जेक्टिव तो लेके जाऊंगा नहीं, इसमें सब्जेक्टिव कुछ है भी नहीं, बट इसमें से क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखना ट्रैफिक इंजीनियरिंग से, है ना? ठीक है, अब देखो ट्रैफिक, प्लीज ध्यान रखना, ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या था सर? यूजर के इमोशंस थे और व्हीकल के डायमेंशंस थे। और सर ट्रैफिक स्टडीज और एनालिसिस में क्या था सर? रोड पर कितना ट्रैफिक वॉल्यूम है, ट्रैफिक की स्पीड क्या है। थर्ड हमारा क्या, ट्रैफिक ऑपरेशंस, किस तरीके से हम ट्रैफिक को कंट्रोल करेंगे रोड के ऊपर ताकि गाड़ियों में एक दूसरे से एक्सीडेंट ना हो और गाड़ियों में जाम न लगे। ठीक है, फोर्थ टॉपिक क्या मैंने, प्लानिंग एंड एनालिसिस। ठीक है, प्लानिंग का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, अब बहुत अच्छी बात देखना, प्लानिंग का मतलब क्या है? देखो इस फोटो से बताता हूं, प्लीज ध्यान से देखना, ये एक रोड है, अगर आप देखोगे तो एक लेन देखो, प्लीज ध्यान से देखो। प्लानिंग का मतलब क्या है? ये रोड नंबर 1 है जो कि हम बंद कर देंगे, ये रोड नंबर 2 है जो कि ओपन रहेगी, ये रोड नंबर 3 है जो कि ओपन रहेगी। अब प्लानिंग का मतलब क्या है भाई? आपने देख लिया कि इस रोड पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम हो रहा है, इस कारण आप क्या करोगे, ये बीच वाले पोर्शन में आप फ्लाईओवर, जो भी मैं येलो कर रहा हूं इस पर आप एक फ्लाईओवर दे दोगे, ये जितना भी येलो वाला पोर्शन है इस पर आप फ्लाईओवर दे दोगे। अब फ्लाईओवर ऐसे तो बनता नहीं है, अब करना क्या पड़ेगा? एक तो आपको रोड यहां से बंद करनी पड़ेगी इस एंड से, और इस एंड से रोड हमें बंद करनी पड़ेगी, और ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन जोन, कंस्ट्रक्शन जोन, ये पूरा का पूरा हमारा क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन जोन। अब प्लानिंग का मतलब क्या है? आपको पता है रोड पर काम चल रहा है और उसके बावजूद भी अगर आपने प्लानिंग का मतलब क्या है, हो सकता है, अब देखो प्लानिंग क्या क्या हो सकती है। एक तो आपको इस जगह लोगों को बताना पड़ेगा, जब भी लोग इस जगह, लोगों को तो पता नहीं है रोड बंद है, आपको एक तो इस जगह शो करना, लोगों को बताना पड़ेगा कि रोड बंद है, और यहां पर नहीं, इसके पहले से ही बताना पड़ेगा, इसके पहले से ही आपको बताना पड़ेगा कि रोड बंद है, आपको पहले से ही बताना पड़ता है कि रोड मेंटली, लोग जो है जो जो गाड़ियां चला रहे हैं वो लोग आपके मेंटली प्रिपेयर हो जाए कि हाँ भाई हमारी रोड बंद होगी, ये प्लानिंग है। दूसरा, इस रोड को थोड़ा सा वाइड कर दो, चौड़ा कर दो, इस अगर हमने ये दोनों रोड्स चौड़ी कर दी, या फिर कोई तीसरा ऑप्शन कि इनके आगे से कोई गली थी वहां से, अब देखो प्लानिंग क्या है समझ लो, यहाँ पर आपने फ्लाईओवर दिया क्योंकि भैया आपने देख लिया कि बहुत सारी गाड़ियां हैं, और फ्लाईओवर क्यों दिया जाता है, फ्लाईओवर क्यों जाता है ताकि हैवी गाड़ियां जो है वो ऊपर से निकल जाए और जो छोटी छोटी गाड़ियां वो नीचे से निकल जाए। और भी रीजन से, मान लो किसी को लेफ्ट में जाना है, किसी को राइट में जाना है, फ्लाईओवर के बहुत सारे पर्पज है, फ्लाईओवर मैं आपको पहले बता चुका हूँ, बट आपने प्लानिंग करनी पड़ेगी क्योंकि आपको पता है कि ये रास्ता बंद है, अगर आपने प्लानिंग नहीं करी तो जाम लगेगा। प्लानिंग क्या है, मान लो रोड चौड़ी कर दी, या यहीं पर कोई रोड थी आपने यहाँ से डायवर्जन दे दिया, तो इसको बोलते हैं प्लानिंग एंड एनालिसिस। कभी भी आप इन चीजों, अगर रोड पर कुछ भी काम होता है तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, और अगर प्लानिंग नहीं करी तो भैया सिंपल सी बात है, क्या हो जाएंगे, एक्सीडेंट्स। मेरे ख्याल से हर एक चीज को समझ चुके, ठीक है, प्लानिंग एनालिसिस पर। अब जो मैंने डिजाइन तो आपको बताया कि जो भी रोड पर आपको दिखता है भाई, देखो ज्योमेट्रिकल, देखो रोड पर टर्न है तो उसको हमने हॉरिजॉन्टल कर्व बोल दिया, रोड में डिप्रेशन है कुछ इस तरीके से तो उसको हमने वर्टिकल कर्व्स बोल दिया, या सुपर एलिवेशन बोल दिया, तो कर्व, सुपर एलिवेशन, ये सारी टॉपिक इस चीज में कवर होते हैं ज्योमेट्रिक डिजाइन में, जो कि मैं आपको ऑलरेडी कवर करा चुका हूँ, ये पूरा का पूरा टॉपिक ज्योमेट्रिक डिजाइन मैं आपको कवर करा चुका हूँ। और लास्ट में हमारा, अब ज्योमेट्रिक डिजाइन पता है ना आपको, कर्व्स हैं, सुपर एलिवेशन हैं, है ना, डिजाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, डिजाइन ऑफ वर्टिकल अलाइनमेंट, अलाइनमेंट्स, तो ये चीजें हम ऑलरेडी कवर, क्योंकि इसके पहले यूनिटी मैंने ज्योमेट्रिक डिजाइन अभी कंप्लीट करी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए, ठीक है। और लास्ट में क्या करता, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, जिसमें आपको ऐसे एक्शंस लेने हैं, मतलब मैनेजमेंट, जिससे एडमिनिस्ट्रेशन आपने देखा होगा बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, ट्रैफिक डिपार्टमेंट होता है, पुलिस होती है, पुलिस का एक डिपार्टमेंट ट्रैफिक डिपार्टमेंट होता है, आपको पता है पुलिस का एक डिपार्टमेंट जो है वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट होता है, वो क्या आपका, और ऐसा नहीं है। अभी देखो मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूं, रोड पर बारिश हो रही,
रोड पर पानी इकट्ठा हो रहा है। मैं आपको खुद एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत अच्छा ध्यान। बारिश हो गई है, हो सकता है रोड पर पानी भर जाए, पता है इसकी नजर कौन रखता है? IAS अपनी रोड्स का भी ध्यान रखता है। IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, IAS, ठीक है। रोड पे जाम ना लगे भाई। IAS कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट का मालिक होता है या फिर सबसे बड़ा ऑफिसर होता है? IAS की तो बात ही अलग है। IAS का मतलब पता है क्या है? वो अपने डिस्ट्रिक्ट की हर एक चीज को ध्यान रखेगा। आप बिलीव करो कि हमने खुद IAS के साथ मीटिंग्स करी है या विजिट्स करी है कि रोड पर ट्रैफिक जैम ना लगे। IAS अपने सिटी का ध्यान रखता है कि मेरे सिटी के अंदर कहीं पर भी जैम नहीं लगना चाहिए। अभी जैसे मान लो ये फ्लावर आप बना देते हैं, आपकी सिटी का IAS ये 100% PWD डिपार्टमेंट से या जो भी डिपार्टमेंट यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रहा है, IAS 100% पूछेगा कि भैया तुम्हारी प्लानिंग क्या है। IAS क्या पूछेगा? तुम्हारी प्लानिंग क्या है, किस तरीके से आप ट्रैफिक जैम को दूर करोगे, किस तरीके से आप एक अच्छा सेफ रैपिड कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिक ट्रैफिक लोगों को दोगे। आप समझ रहे हो? तो ये एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा भैया? ये IAS है। और IAS नहीं है, IAS है जो डिपार्टमेंट काम कर रहा है, लाइक PWD है, फिर PWD के इंजीनियर्स हैं, ट्रैफिक पुलिस है। इसमें ये जो किसी भी एक सेफ ट्रैफिक को चलाने के लिए बहुत लोगों का हाथ होता है। मैं कह रहा हूँ ना, मैंने खुद 2 बार विजिट्स कराई है IAS के साथ, मतलब मैंने नहीं, मेरे सीनियर्स ने, मैं साथ में था। मैं इतनी बड़ी चीज़ नहीं हूँ कि मैं IAS के साथ करूँ, हाँ बट मैं उस टीम में था, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से आई हो, अब देखो ध्यान से, नो डाउट मैं इन सारे टॉपिक्स को आपको पढ़ाऊंगा, पूरा पूरा डिस्क्रिप्शन में पढ़ाऊंगा, पूरा डिस्क्राइब करूंगा। बट अगर अगर मैं आपसे ट्रैफिक इंजीनियरिंग के बारे में बात करूं और ट्रैफिक इंजीनियरिंग के जो मेथड्स हैं, जो डिफरेंट मेथड्स हैं, अगर उनके बारे में आपसे बात करूं, तो क्या आपको ट्रैफिक डायरेक्टिव पता है? हाँ सर पता है, थोड़ा थोड़ा पता है। यूजर और रोड के बारे में था। सेकेंड ट्रैफिक स्किल, हाँ सर। ट्रैफिक ट्रैफिक स्टडीज, हाँ सर। ट्रैफिक वॉल्यूम के बारे में था, जिसमें आपने दिखाया था किस तरीके से रोड पर ट्रैफिक का वॉल्यूम होता है, उसको कंट्रोल करना, उसका ट्रैफिक ऑपरेशन कंट्रोल, हाँ सर। लाल बत्ती वाल बत्ती होती है। प्लानिंग और एनालिसिस, मैंने आपको फ्लाईओवर का एग्जांपल दे दिया। जियोमेट्री डिजाइन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट, जो कि आपको अच्छी तरीके से पता है, जो भी मैंने IAS का एग्जाम्पल दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं, तो सबसे पहले जो मैं आपसे टॉपिक ले रहा हूँ, जो मैं बहुत डिस्क्रिप्शन के साथ पढ़ाऊंगा, वो तो है आपका ट्रैफिक रेगुलेशंस एंड कंट्रोल डिवाइसेस। आप कौन कौन से डिवाइसेस यूज कर सकते हो, आप कौन कौन से डिवाइसेस यूज कर सकते हो जिसकी वजह से आपका रोड पर ट्रैफिक ना लगे। देखो मैं आपको बता दूं, ट्रैफिक रेगुलेशंस क्या है, जिसमें हम ट्रैफिक को ऑपरेट करेंगे, ट्रैफिक अच्छे से लगेगा, अच्छे से चलेगा, और आपको कुछ ना कुछ यूज डिवाइसेस यूज करने पड़ेंगे या मेथड्स यूज करने पड़ेंगे। तो अगर हम ट्रैफिक समझ गए, ये थर्ड नंबर का जो मेरा टॉपिक है, सबसे पहले उठाता हूँ क्योंकि इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, आपको पढ़ने में भी मजा आएगा, ये आपको पढ़ने में भी मजा आएगा, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ट्रैफिक रेगुलेशन, कौन कौन से कंट्रोल डिवाइसेस होते हैं रोड पर, या मेथड्स होते हैं, या कंस्ट्रक्शन एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स मतलब, एलिमेंट्स मतलब जो रोड पर आप जो भी चीजें देख रहे हो, लाइक मीडियम देख रहे हो, कर्व स्टोन देख रहे हो, है ना, फुटपाथ देख रहे हो, और आपका रेड लाइट देख रहे हो, सब कुछ एलिमेंट्स। आप रोड एलिमेंट्स का मतलब समझ रहे हो, रेड लाइट तो नहीं, रेड लाइट तो मेथड्स है या डिवाइसेस है, ठीक है। तो अगर मैं सबसे पहले पूछूं क्या क्या चीजें होती हैं जिससे हम ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकते हो, सबसे पहले क्या है? ट्रैफिक सिग्नल। ट्रैफिक सिग्नल्स बहुत अच्छा टॉपिक है ये, और इसलिए लिया है क्योंकि आपको पढ़ने में मजा आएगा, क्योंकि ये टॉपिक आप हर कोई अपनी जिंदगी में इस टॉपिक को अच्छी तरीके से जानता है। सबसे पहले क्या होगा? ट्रैफिक सिग्नल्स। क्या कर रहे हैं हम लोग? ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं, ट्रैफिक को ऑपरेट कर रहे हैं बाय यूजिंग ट्रैफिक सिग्नल्स। सेकंड, मार्किंग ऑन रोड्स। देखो रोड पर मार्किंग होती है कि यहाँ पर स्कूल, देखो यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ पर स्कूल है, ये रोड पर मार्किंग होती है, तो आपको पता लग जाएगा स्कूल आ रहा है। दैट मींस जहाँ पर रोड पर स्कूल लिखा हुआ है वहां पर आप तेज गाड़ियां नहीं चला सकते। जहां पर आपको दिख गया कि रोड पर स्कूल लिखा हुआ है, वहां आप तेज गाड़ियां नहीं चला सकते। या देखो यहाँ पर इस रोड पर क्या चलेंगी? ओनली साइकिल चलेंगी। इस रोड पर ओनली पेडेस्ट्रियन चलेंगे। इस रोड पर देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है कैमरे में, देखो यहाँ पर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, एक आदमी सा बना हुआ है,
इसका मतलब इस रोड पर बस पेडेस्ट्रियंस चलेंगे, मतलब पैदल चलने वाले लोग चलेंगे, या फिर एक रोड पर साइकिल के देखने से यहाँ पर साइकिल ट्रैक है। तो सेकंड चीज क्या है जिसे हम ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे, रोड मार्किंग्स। इसमें लिखा हुआ नहीं है, मैं लिख देता हूँ रोड मार्किंग्स, रोड मार्किंग्स, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे थर्ड नंबर पे इंटरसेक्शंस। इंटरसेक्शन मतलब यहाँ पर दो रोड, तीन रोड, चार रोड मिल रही है। देखो यहाँ पर एक दो तीन, तीन रोड मिल रही है, यहाँ पर तीन रोड मिल रही है, यहाँ पर चार रोड मिल रही है, यहाँ पर एक दो तीन चार पांच, पांच मिल रही है। तो इस तरीके से जहां पर नंबर ऑफ रोड्स एक पॉइंट पर मिल जाए, इंटरसेक्ट हो जाए, उस वहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग टाइप के इंटरसेक्शन शेप्स प्रोवाइड करनी पड़ेंगी ताकि रोड का एक्सीडेंट ना हो। फोर्थ क्या पर ट्रैफिक आइलैंड, आप लिखा होगा रोड के बीच में ये आइलैंड सा होता है, रोटरी है ना, सर्कल से होते, देखो ये सर्कल है। तो ये ट्रैफिक कंट्रोल रेगुलेशंस में ये चार टॉपिक को हम पढ़ेंगे और इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं, तो अगर आपसे फर्स्ट की बात करूं तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, ट्रैफिक, मतलब सबसे अच्छा टॉपिक कौन सा है, ट्रैफिक सिग्नल्स। क्या आपने रोड पे ये सारे सिग्नल्स लगे हुए देखे हैं? अगर मैं आपसे पूछूं क्या आपके रोड पे ये सिग्नल्स लगे हुए देखे हैं, तो आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल देखे हैं, हाँ सर बिल्कुल हमने देखे हैं सारे के सारे सिग्नल्स, ठीक है। कितने टाइप के, देखो सबसे पहले पर्पस ऑफ रोड्स है, देखो जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं इन सबका एक ही पर्पस है, जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं इन सबका, फिर पानी पूछूंगा रुको वेट करो सर, ठीक है। तो हम बात करते हैं पर्पस ऑफ रोड साइंस की, भैया देखो सबके पर्पस सेम ही है भैया, ट्रैफिक जाम में लगे, सेफ्टी रहे, बस पर्पस तो सबकी यही है, ठीक है। तो पर्पस मुझे किसी भी, जितने भी हमने ये मेथड्स पढ़े फॉर ट्रैफिक इंजीनियरिंग या करेक्टरिस्टिक्स पढ़े, इन सबका मकसद एक ही है। तो हर चीज पर्पस का पढ़ने का मतलब नहीं बनता, एक ही पर्पस है, ठीक है। टॉपिक इंपॉर्टेंट क्या है, कितने टाइप्स के आपके रोड साइंस होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा मैंडेटरी या रेगुलेटरी साइंस, सेकंड होता है आपका कॉशनरी और वार्निंग साइंस, तीसरा इन्फॉर्मेटिव और गाइड साइंस। देखो मैं वो एग्जांपल देता हूं, आगे रोड बंद है, एक सिग्नल ऐसा होता है, या फिर आगे से बस लेफ्ट ही जाना है, आगे रोड आपकी लेफ्ट पर मुड़ रही है, आगे रोड आपके लेफ्ट में मोड़ रही है, आगे रोड आपके राइट में मोड़ रही है, गाड़ी किसी भी रोड पर आप गाड़ी को 40 के ऊपर नहीं चला सकते, किसी भी गाड़ी को आप रोड के ऊपर 40 के ऊपर नहीं चला सकते। तो ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको बोर्ड्स मिलते हैं, जिसको बोलते हैं साइनेज बोर्ड्स। क्या बोलते हैं? साइनेज, साइनेज, एस आई जी एन ए जी, साइनेज बोर्ड्स। अब सबका काम क्या है? वही काम है जो आपको बता चुका हूं, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं मैंडेटरी और रेगुलेटरी साइंस की, देखो बहुत अच्छा टॉपिक है, क्या आपको इस टाइप के कुछ साइनेज बोर्ड्स मिलते हैं रोड पर? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको इस टाइप के साइनेज बोर्ड मिलते हैं, आप बोलोगे हाँ। सबसे पहले देखो ध्यान से देखो, मैंडेटरी और रेगुलेटरी साइंस, ठीक है। मैंडेटरी का मतलब क्या होता है? दो चीज, देखो इन अगर बोर्ड्स के बारे में, इन साइनेज बोर्ड्स के बारे में आपकी बात करूं तो इनके दो पर्पस हैं, एक तो साफ साफ धमकी, अगर ये करा तो तुम्हें चालान काट देंगे, अगर तुम ये करोगे, देखो ये सबसे खतरनाक बोर्ड है, तुम्हें डायरेक्ट धमकी देता है अगर तुमने ये कर दिया। मान लो रोड पर लिखा है कि आप 40 के ऊपर गाड़ी नहीं चला सकते, आपने चला दी तो चला, तो दैट मीन्स सबसे पहली बात, जितने भी मैंडेटरी रेगुलेटरी साइंस होती है किस शेप में होते हैं? सर्कुलर, एक दो तीन। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे निकलता है आपका, जितने भी मैंडेटरी और रेगुलेटरी साइंस होते हैं, जितने भी मैंडेटरी और रेगुलेटरी साइंस होते हैं उनकी शेप क्या होती है? सर्कुलर। और मैंडेटरी और रेगुलर और रेगुलेटरी साइंस आर सर्कुलर इन शेप। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका ये, सबसे और रेड कर देता हूं, ऑल मैंडेटरी और रेगुलेटरी साइंस आर सर्कुलर इन शेप, ठीक है। अब इनका काम क्या है भाई? देखो दो चीजें करने की, एक तो मना करने की है, ये दो काम करते हैं, एक तो मना करते हैं कि ये मत कर देना, एक तो क्या करते हैं आपको मना कर देते हैं कि भाई ये मत करना वरना चलान है तुम्हारे ऊपर डायरेक्ट। जैसे कि अगर मैं आपसे एग्जांपल लूं, इसको देखो, इसका मतलब क्या है? ये दो रोड्स हैं, ये रोड है, इस पे साफ साफ इसमें लिखा हुआ है, साइनेज बोर्ड लगा हुआ होगा कहीं ना कहीं,
साइनेज बोर्ड आपका लगा हुआ कहीं ना कहीं, इन्होंने आपको धमकी मार दी साफ साफ क्या कि भाई साहब अगर आप ये वन वे ट्रैफिक है, मतलब गाड़ी एक ही डायरेक्शन में जाएगी, देखो ये वन वे रोड होती है, एक रोड क्या होती है आपकी, ये टू वे होती है, इधर से भी जा सकती है गाड़ियां और इधर से भी जा सकती है। तो इसने आपको एक चीज बोल दी साफ साफ धमकी मार दी भैया, वन वे ट्रैफिक रोड पर एक ही डायरेक्शन में गाड़ी चलेगी, अगर आपने दूसरे डायरेक्शन में चला दी तो डायरेक्ट आपको मिलेगा चालान। और याद रखना आजकल चालान बहुत भारी हो चुके हैं भाई। देखो मैं तो रोड्स का मानता हूँ, मैं तो रोड्स का फैन हूँ, इंडिया में जितने भी काम चल रहे हैं उसमें बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होंगी नो डाउट, एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, रोड्स है तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, और भी चीजें हैं, फाइनेंस के जॉब्स है तो जॉब्स के, मतलब समझो बहुत सारी मिनिस्ट्रीज है। बट मैं सीरियसली इंडिया में जिस मिनिस्ट्री का फैन हूँ ना, क्योंकि देखो मैं सिविल इंजीनियर हूँ, दूसरा मैं हर जगह अपनी गाड़ी से ट्रेवल करता हूँ, तो मुझे रोड्स अच्छी चाहिए, मेरी रिक्वायरमेंट्स क्या है, जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ तो मेरी सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे रोड्स अच्छी चाहिए भाई, बिना गड्ढों की चौड़ी चौड़ी वाइड रोड्स चाहिए। तो इम्प्रूवमेंट होते हुए मुझे दिख रहा है, तो मैं और जितनी भी मिनिस्ट्रीज है, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज जितनी भी है, उसमें सबसे ज्यादा जो फैन और लिटरली फैन जिसको बोलते हैं ना फैन, मैं हूँ ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का, गजब है ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री इंडिया के अंदर आज की तारीख में, बहुत काम चल रहा है ठीक है। दूसरी मिनिस्ट्रीज के लिए मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि मुझे उनकी नॉलेज भी नहीं है और मुझे पता भी नहीं कि उससे मुझे फायदा मिल रहा नहीं मिल रहा, बट हाँ रोड से मुझे फायदा मिल रहा है ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये तो अगर हम बात करें पर्पस छोड़ो, तो जितने भी ये भी छोड़ो हमने पढ़ लिया ठीक है। तो मैंडेटरी रेगुलेटरी सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है कि जितने भी मैंडेटरी रेगुलेटरी साइंस होते हैं वो किस शेप में होते हैं, आपका सर्कुलर शेप में होता है। अब तो क्या काम है, तो इंडिकेट द प्रोहिबिशन, बताने के लिए कि ये मत करना, ये मना कर दिया इसने, ये मत करना, जैसे कि आप ओवरटेकिंग नहीं कर सकते, ओवरटेकिंग प्रोहिबिटेड, यू टर्न प्रोहिबिटेड, मतलब रोड पर आप यू टर्न नहीं ले सकते, या साइकिल प्रोहिबिटेड। अच्छा जैसे मैं बताता हूँ जो नेशनल एक्सप्रेस वेज है, आज जितने भी नए नए नेशनल एक्सप्रेस वेज है उस पर बाइक्स अलाउड नहीं है, आपको पता है मैक्सिमम नेशनल एक्सप्रेस वेज पर, मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ, मैक्सिमम नेशनल एक्सप्रेस वेज पे बाइक अलाउड नहीं है, कार्स अलाउड है, ट्रक्स अलाउड है। तो जितने भी नेशनल एक्सप्रेस वे होते हैं उसमें पता है क्या लिखा होता है, बाइक्स नॉट अलाउड, बाइक्स प्रोहिबिटेड, क्या होगा ये सर्कुलर सा होगा और उस पर लिख देंगे बाइक्स, बाइक कैसी होती है, इस पे यूं इस तरीके से बाइक्स प्रोहिबिटेड। तो जितने भी हम लोग नेशनल एक्सप्रेस वे पे कभी जिंदगी में जाओ तो बाइक्स लेके मत जाना, वरना आपका चालान 100% है आज की तारीख में, अगर बाइक लेके आप नेशनल एक्सप्रेस वे पे चल गए ना तो चलान कट जाएगा ठीक है। तो जो हमारे मैंडेटरी रेगुलेटरी साइंस है ये मना करते हैं भैया, ये मत कर, ये मत कर, ये मत कर, जैसे कि एग्जांपल में दिया ओवरटर्निंग मत कर, यू टर्न मत ले, साइकिल्स मत लेके जा, रोड पर साइकिल्स नहीं अलाउड, बाइक्स नेशनल एक्सप्रेस पे अलाउड नहीं है, तो आपको मना करता है, या रोड पर पार्किंग मत करना बराबर ठीक है। और दूसरा क्या करता है, ये आपको लिमिट्स बताता है, भैया आपकी लिमिट्स ये है, देखो क्या है, दो चीजें बता दी, एक तो उसने मना कर दिया भैया ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना, ये मत करना, मना कर दिया। दूसरा ये आपको लिमिट देता है, भैया 50 पे चला सकते हो, 40 पे चला सकते हो, भैया लेफ्ट लेना पड़ेगा, भैया राइट लेना पड़ेगा। तो मैंडेटरी और रेगुलेशन साइंस का मतलब सिंपल सी बात है क्या है, ये आपको मना करते हैं चीजों को करने से, इस पर जबरदस्त चालान भी है। आप दिल्ली में कहीं पर है ना यू टर्न प्रोहिबिटेड, जैसे मान लो दिल्ली में आप जाओ, हर इंसान कभी ना कभी दिल्ली तो आया ही होगा, कभी ट्रेन से आया होगा, बस से आया होगा, कभी कभार अपनी गाड़ी से भी आया होगा। और ट्रैफिक सिस्टम तो मैंने देखो, लोग बैंगलोर का भी अच्छा बताते हैं, ट्रैफिक सिस्टम बैंगलोर का भी अच्छा है मैंने सुना है, चंडीगढ़ का बहुत अच्छा सुना है, मेरे को तो लगता है चंडीगढ़ का नंबर वन है, और दिल्ली का भी अच्छा है, जयपुर का भी अच्छा है, ये मैंने बताया दिल्ली जयपुर चंडीगढ़ ये तीनों जगह मैं गया हूँ, बैंगलोर तो मैं आज तक गया नहीं हूँ, दिल्ली जयपुर चंडीगढ़ बाहर से यहाँ पर आप गलती करके देखो चालान आपके हाथ में आ जाएगा। वो नहीं बोलते दिल्ली में मिनट से पहले, दिल्ली की फेमस क्या है, मिनट से पहले चालान ठीक है, आप अगर मिनट से पहले मतलब बहुत जल्दी चालान मिलेगा आपको, तो कहने का मतलब क्या, ये मना कर देगा, धमकी मार देगा ठीक है, और अपनी लिमिट बताए भैया इतनी लिमिट है ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो इसके दो पर्पस हो गए मैंडेटरी रेगुलेटरी के, मना करने का और लिमिट बताने का, तेरी लिमिट ये है ठीक है। अब ये बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, ये जो आप मैंडेटरी डिस्क देख रहे हो ना, ये इसकी डायमीटर, सबसे बड़ा क्वेश्चन, इसकी डायमीटर कितनी होती है,
60 सेंटीमीटर, उसकी डायमीटर कितनी होती है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, आप समझो मैंडेटरी की जो डिस्क होती है वैसे स्पीड पे डिपेंड होती है, 600 भी होती है, मतलब 600 mm भी है। 60 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, 600 mm, 600 mm। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है, द डायमीटर ऑफ मैंडेटरी साइंस डिस्क मस्ट बी 60 सेंटीमीटर। और जो ग्राउंड से है, ये दूसरा ऑब्जेक्टिव, देखो जितने भी रेड करता जा रहा हूं ना मैं, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है, जहां मेरी कलम लाल चल रही है तो समझ जाना वहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलेगा, वहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि जो मैंडेटरी साइंस होते हैं इनकी डायमीटर क्या है, 7 सेंटीमीटर, और एक जो कितनी हाइट पर लगाया जाता है आपका 2.8 मीटर पर, इसकी हाइट भी ध्यान रखना कि ये जो आपके मैंडेटरी और रेगुलेटरी साइंस होते हैं ये कितनी हाइट पर लगाया जाता है आपके 2.8 मीटर पर। ठीक है, तो यहाँ से मैंने दो ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके निकाले, एक तो डायमीटर का 60 सेंटीमीटर और हाइट का आपकी 2.8 मीटर फ्रॉम ग्राउंड लेवल। अब ये बहुत सारे हैं, ठीक है, क्या क्या है इसमें कि भैया नो, देखो जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है वो बताता हूँ। यहाँ पर क्या है, रोड पर बैलगाड़ी अलाउड नहीं है, रोड पर बैलगाड़ी, देखो जो दूसरे हैं वो किसी काम के नहीं है, जो मैं अच्छे इंपॉर्टेंट है बताता हूँ, जो बैलगाड़ी अलाउड नहीं है, बुलक कार्ट्स मना कर दिया, नो हैवी व्हीकल। मान लो सिटी की कोई रोड है, उन्होंने बोल दिया भैया ट्रक अलाउड नहीं है यहाँ पे स्कूल भी स्कूल है, आप समझ रहे हो, मना कर रहा है साफ साफ, या तो मना करेगा या लिमिट बताएगा, मना मतलब कदम की देता है क्या, रोड चलान कट जाएगा, भैया बैलगाड़ी नहीं चाहिए रोड पर, ट्रक नहीं चाहिए, नो हैवी व्हीकल्स। आपने देखा होगा कुछ रोड्स पर हाइट बैरियर, ऐसे हाइट बैरियर भी लगाए जाते हैं ताकि ट्रक उसके बीच में से ऊपर अंदर से ना निकलेगा, तो क्या है मना कर दिया नहीं करोगे। उसके बाद नो मोटरसाइकिल्स, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या बोल रहा था, नो मोटरसाइकिल्स, ये नेशनल एक्सप्रेस वे पे लगा होता है, नो मोटरसाइकिल्स, नो बाइसाइकिल्स अलाउड, मना कर दिया भैया लेकिन ये होगा रोड पर। उसके अलावा लेफ्ट नहीं ले सकते, दूसरे ये देखा है नो व्हीकल, दैट मींस ये बंद है, नो स्प्रेडर, मतलब देख सकते हो ये अलग अलग है, स्पीड बता दी कि आपकी जो हाइट है गाड़ी की वो 3.5 मीटर होनी, देखो ये क्या लिखा हुआ है हाइट लिमिट, कि आपकी गाड़ी की मैक्सिमम हाइट जो इस रोड से निकल सकती है वो कितनी है 3.5 मीटर की। जब आप ध्यान से देख लो, मुझे जल्दी अलग अलग मैंने आपके सामने बना के रखे हुए हैं। ठीक है, अब देखो ये इसको छोड़ दें, ये छोड़ो, इधर देखो ऑल मोटर व्हीकल प्रोहिबिटेड, ये एक ऐसी रोड है जहां पर बस साइकिल चलेगी या पैदल चलने वाले लोग चलेंगे, इसे लेकर जितने भी गाड़ियों पे मोटर है, मतलब बाइसाइकिल, और सर बाइसाइकिल नहीं मोटरसाइकिल, ये सब क्या है आपके अलाउड नहीं है। उसके बाद अगर हम देखेंगे नो मोटरसाइकिल अलाउड, मना कर दिया, मैंडेटरी और रेगुलेटरी का क्या काम है, मना कर देते, प्यार से मना कर देंगे, भाई मत करना यार ये बेटा, तेरे को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, नो बाइसाइकिल्स समझाई दी मैंने आपको, इसके अलावा बैलगाड़ी नहीं चाहिए, नो हैवी व्हीकल्स, ट्रक अलाउड नहीं है या हैवी व्हीकल्स अलाउड नहीं है, वन वे ट्रैफिक कि रोड बिल्कुल सीधी जाएगी, आप उल्टी एक ही डायरेक्शन में रोड चलेगी, आप दूसरी डायरेक्शन में मत आना। ठीक है, नो व्हीकल्स इन बोथ डायरेक्शन, मतलब ये वन वे ही है, नो लेफ्ट टर्न, आप लेफ्ट नहीं ले सकते हो, आप लेफ्ट नहीं ले सकते हो, मान लो रोड पर आपको लेफ्ट रोड दिख भी रही है, मान लो आप रोड पर जा रहे हो आपको लेफ्ट रोड दिख रही है, बट आप लेफ्ट वहां पर नहीं ले सकते, आप राइट नहीं ले सकते। यहाँ पर ये सिंबल क्या है, नो ओवरटेकिंग, आपकी कुछ रोड जैसे मान लो वन सिंगल लेन रोड होती है, सिंगल लेन रोड पर ओवरटेकिंग अलाउड नहीं होती है, आपको पता होगा अच्छे से कि सिंगल जो लेन होती है उसको ओवरटेकिंग अलाउड नहीं होती है, तो उसके साथ आप लिख दिया नो ओवरटेकिंग, नो यू टर्न, आपको यू टर्न दिखेगा बट आप यू टर्न ले नहीं सकते हो, हाइट लिमिट कि गाड़ी की जो मैक्सिमम हाइट है वो 3.5 मीटर तक होनी चाहिए, इससे ज्यादा अलाउड नहीं है। जैसे पता है जनरली गाड़ी रहता है, आपने देखा होगा बहुत सारे रोड पर फुट ओवर ब्रिज होते हैं, फुट ओवर ब्रिज, फुट ओवर ब्रिज जिसमें आप एक पहले क्या करते हो, बस मान लो दोनों रोड्स हैं, टू वे रोड है, टू वे रोड पे आप ट्रैफिक आप पैदल चल रहे हो, आप पार नहीं कर सकते, तो एक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है जिससे आप ऊपर से निकल जाते हो, उसको हम क्या बोलते हैं फुट ओवर ब्रिज, FOB, स्पीड लिमिट। तो फुट ओवर ब्रिज में जनरली हाइट होती है, फुट ओवर ब्रिज में आप जब भी देखोगे एक हाइट होती है फुट ओवर ब्रिज में लिखी हुई कि यहाँ से मत निकलना वरना आपका चालान काट देंगे, कहने मतलब क्या है अगर आप 3.5 मीटर से ऊपर लेके जाओगे तो हो सकता है उस फुट ओवर ब्रिज पर गाड़ी आपकी टकरा जाएगी। स्पीड लिमिट, वेट लिमिट, अब 17 टन कि रोड पर जो गाड़ियां चल रही हैं वो 17 टन से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, लिखा हुआ ना 17, इस 17 के ऊपर देखो टी लिखा हुआ है, टी मतलब टन, इस 17 टन के ऊपर गाड़ी नहीं होनी चाहिए, एक टन का मतलब 1000 किलो, तो दैट मीन्स 17000 किलो से ज्यादा की हेवी गाड़ी नहीं जानी चाहिए, 17 टन लिखा हुआ है, टन मतलब क्या है 1000 किलो, तो 17000 किलो से ज्यादा की गाड़ी आपकी नहीं जा सकती।
लेंथ लिमिट यदि कि 10 मीटर से, अब लेंथ लिमिट क्या है कि 10 मीटर से लंबी गाड़ी आप यूज नहीं कर सकते हो, नो पार्किंग, आप पार्किंग नहीं सकते हो, हॉर्न प्रोहिबिटेड, हॉर्न प्रोहिबिटेड। आप देखो दिल्ली में जितने भी वो हैं जैसे गवर्नमेंट ऑफिसेस जहां पर हैं है ना, सेक्रेटरीट है, सेक्रेटरीट आप जानते होंगे, या एम्बेसीज हैं वहां पर आपको साफ से लिखा। अब देखो दिल्ली की जब आप कनॉट प्लेस जाओगे, कनॉट प्लेस में बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑफिस हैं, वहां पर साफ से लिखा हुआ है कि आप हॉर्न नहीं बजा सकते। या हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल जैसे दिल्ली का जो एम्स है, एम्स के बाहर मैंने खुद देखा ये बोर्ड हॉर्न्स प्रोहिबिटेड, किसी भी हॉस्पिटल के बाहर आपको स्पेशली ये मिलता है हॉर्न्स प्रोहिबिटेड, हॉर्न्स नहीं, क्योंकि हॉर्न्स के हिसाब से आवाज से क्या होगा, पेशेंट डिस्टर्ब होते हैं, नो पेडेस्ट्रियन, रोड पर बोल दिया कि कोई पैदल चले आना नहीं लेगा। तो ये सारी चीजें हैं और इसके आगे तो मैंने कुछ लगाया नहीं। ठीक है, नेक्स्ट जो वार्निंग है हमारी साइंस है, बहुत कॉशनरी वार्निंग साइंस, इसको हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, बाय बाय।